चक दे फट्टे नब दे किल्ली ठोको ताली ठोको ताली। हेलो सभी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर हैप्पी हेल्दी विद योर फैमिली। थैंक यू सो मच हू कम इन यू पर्सन माय होम ब्रदर सिस्टर गर्ल बॉय एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच बटर माय हार्ट माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। उमा उमा आप सब के साथ हो गया। लेट्स गो विद मी। सारा यासीन के व्लॉग पे देते हैं रिव्यू। क्या हो गया? टेंशन खत्म हो गया। बच्चे चाहे जैसे भी बैठे रहे, सोफे नीचे से खराब नहीं होंगे। और ये कवर है जो ताहिरा सिस्टर ने मुझे दिए थे उन सोफों के लिए। और ये दो जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना, उसके 10-15 दिन बाद ही मुझे ये मिले थे। इतना टाइम हो गया मैंने उन पर, इस वजह से नहीं लगाए, तो उस पर आ नहीं रहे थे। आज देखो इस पर लगाए तो इन हमारे सोफों पे आ गए। तो अब देखो पूरे कवर हो गए। अब चलो सुकून से बच्चे बैठेंगे। पूरे पूरे से लगते इन्हीं के साइज के थे। चलो ये बचत हो गई हमारे सोफों की। एकदम बिल्कुल चेंज हो गया ना। ठहरो यहाँ से दिखाती हूँ। ये वाला देखो कलर भी इसका डार्क है। कलर इससे भी मैच हो गया। ये इससे भी अभी मैच हो रहा है। कारपेट से मैच हो रहा है और हमारी डाइनिंग टेबल से भी मैच हो रहा है। और देखो किन्नू का इतना सारा सुबह सुबह और ढेर लगा दिया मेरे हस्बैंड ने। ये देखो अभी तक जूस खत्म ही नहीं हुआ। सारा दिन जूस बनता रहता है। मेरा गिलास बचा हुआ है ऐसा ये पीती हूँ। और इसके अलावा ये देखो जैसे मैं नीचे आई हूँ, केक भी आया है। अम्मी ये बताए किसकी तरफ से आया है? चलो खोलते हैं। कॉन्ग्रेट्स 1 मिलियन बाय इन्फो बाय सबा। इतना प्यारा खूबसूरत केक भेजा है सबा की तरफ से मुझे। केक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा। बच्चे अभी ट्यूशन गए हुए हैं तो जैसे वापस आएंगे ना फिर उनके साथ हम बच्चों के साथ ही केक कट करेंगे। थैंक यू सो मच सबा। बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा केक भेजा है। तो चलो अब इसको वापस से ऐसे ही रख देते हैं। बच्चे आएंगे फिर केक कट करेंगे। अभी ऑरेंज लग कितने अच्छे रहे हैं ना। चलो मैं ऑरेंज जूस पीती हूँ और इसके साथ बच्चों कहते हैं यहाँ पर पतीसा था, अब यहाँ से किचन में पहुँच गए। कचरे के डब्बे में चला गया होगा। नाम बताओ सबका। घुटने में लगी ऐसे करके कहती मेरा भाईजान मुझे रिंग पहना है प्लीज। आज क्लोज तो आइज तो बोलो उसको। क्लोज योर आइज। ये मेरी फर्स्ट रिंग है अपनी लाइफ की जो मैं किसी को पहना रहा हूँ और मैं अपनी बहन को पहनाऊंगा। क्लोज योर आइज आयत। सो फनी यार, मजे का व्लॉग था। लेकिन जो भी हुआ है आप लोग चले जी, इसके बाद हम दिलबर के उसके ऊपर बात करते हैं। उन्होंने क्या मैसेज दिया गेम करना शुरू कर दी है। तो खुदा के लिए जो है ना ये तनकीज़बाजी बंद कर दें खुदा के लिए, ठीक है। और एक इंसान अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहा है तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि उसके लिए बददुआएं शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसे नेचर के लोग हैं जो अपनी बकवास आके कर जाते हैं। तो ये अगर मुझे छोड़ने वाले और ये चीज़ें आती होती तो मैं फिर पहले जो है ना शादी दूसरी करने से पहले फिर पहले शादी छोड़ता, ठीक है। तो अगर मुझ में निभाने की सलाहियत है इसलिए मैंने अपनी ना फर्स्ट मिसेज को छोड़ा है ना सेकंड को छोड़ूंगा, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये बकवास करने से पहले थोड़ा सा जो है ना शर्म लिहाज कर लिया करें और उसके ऊपर इतना तनकीद ना करें। ऑलरेडी उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है तो मस्जिद उसको सानिया की बात कर रही है ना टॉर्चर किया जाए। अकेली रहती है वो, तो एक इंसान अकेला बैठा बैठा बहुत सारी बातें सोचता है। तो खुदा के लिए जो है ना कोई इंसानियत वाले काम कर लें, थोड़ी सी शर्म हया कर लें, ठीक है। आप लोग तो रिएक्शन दे के चले जाते हो लेकिन दूसरे के दिल पे क्या होती है वो उससे पूछना चाहिए। इतना बकवास और इतना गंदी लैंग्वेज आप लोग कैसे यूज़ करते हो मुझे नहीं समझ आती।
मैं एक मर्द हूँ, मुझे भी बोलते हुए शर्म आती है। तो पता नहीं औरतें आप लोग कितना इतना घटिया यार, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो वैसे ही मतलब औरतें ही इतना गंदे रिएक्शन। अच्छा, देखने वालों को भी सलूट है भाई जो उनको देखती हैं और वो करती हैं, ठीक है ना। मैं तो लानत भेजता हूँ ऐसी रिएक्शन वाली पे जो इतना बकवास और बकवास और बस क्या बोलूँ मैं। ठीक है गाइस, जी गाइस, तो आप लोगों ने सुन लिया, दिलबर ने पाकिस्तान की अर्ली मॉर्निंग वीडियो डाली थी, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था उसने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की। उसके बाद इन्होंने दोबारा वीडियो डाली। दूसरी साइड पर हम सानिया की वीडियो देखें तो सानिया भी गुस्सा कर रही है कि मुझे बेवा कहने वाले कौन हैं। और जैसा उनकी माँ ने कहा कि जो कहते हैं वो खुद बेवा हो जाए, उनकी सैमा जट ने कहा जो कहते हैं वो बेवा हो जाए। देखें, आप अगर आप बदले में भी बदुआएं देंगी या इस तरह करेंगी, सबसे पहले बात यह है कि आप लोगों का एक घर का मसला था, घर में रखते, बेटी पे मत लेकर आते। इस चीज़ को आप दिलबर को भी समझा देते, फातिमा को भी समझा देते, आप खुद भी समझ जाते तो आज ये नौबत ना आती। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात यह है कि अब जब ये बेटी के ऊपर आया है, जो लोग फातिमा से प्यार करते हैं, जो जिनको लगता है कि इसके साथ गलत हुआ है, जिनको लगता है चलो कोई बात नहीं, इसने परमिशन भी दे दी, कोई बात नहीं, इसने ये कर दिया, लेकिन अभी भी स्टिल वो उसकी बीवी है तो औरत है ना, है तो इंसान है, तो जो उनके लिए वो आवाज़ उठा रहे, जारी बात है उनको गुस्सा आता है। जब उनको गुस्सा आता है तो वो जाके इनके नीचे जाके मैसेज में गाली गलौज और ये वो लिख देते हैं। फिर बात वो करूंगी, आप लोग अपने घर के मुद्दे अपने घर में रखें, बेटी पे मत लेकर आए। मैं बार बार बोल रही हूँ, शुरू दिन से बोल रही हूँ, जब से ये केस इधर आया हुआ है बेटी के ऊपर तब से बोल रही हूँ, घर की बात घर में होनी चाहिए थी। ना फातिमा लाती, ना दिलबर बताता, ना सानिया बताती, ना वो लोग शो करते, ना टिकटॉक के ऊपर जाते, ना अपनी छोटी छोटी थंबनेल पर लिखकर टोंटबाजी करना। कभी फातिमा करी, फातिमा उसको करी, सानिया इसको करी, सानिया की बहन सैमा जट उसको करी, बदले में दिलबर बोल रहा है, उधर से उसका बाप बोल रहा है, उधर उसका चाचा बोल रहा है, तो ये सब कुछ आप लोग खुद लेकर आए। तो फिर ये आप किसी को बदवाएं दें कि जी ये बेवा हो जाए, सब बेवा हो जाए, इस तरह हो जाए, तो ये सेंस नहीं बनता। आप लोगों ने खुद ये सब गंद लाए हो, खुद आप लोगों ने ये किया, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तरफ आपके लोग चाहने वाले हैं, फातिमा की पार्टी फातिमा को चाहने वाली हो, सानिया और सैमा जट के जो लोग हैं उनको चाहने वाले हैं, तो ये लोग आपस में इनके चाहने वाले एक दूसरे को गाली गलौज लिखते हैं मैसेज में जाके, तो इसमें किसी दूसरे का तो कोई कसूर नहीं। और अगर रिएक्शन वाले आकर अपना पॉइंट रखते हैं, बात करते हैं, रिव्यू देकर जाते हैं, तो आप लोग उनको भी रगड़े में ले रहे हो कि भाई उनके भी जो है वो बेवा हो जाए। ये जो ऐसी बात नहीं होती है, ये तो मतलब आप लोग तो खुद ही फिर अपने पाँव पे और खिलाड़ी मारे इस तरह की बातें कर कर। आप लोगों को तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए ना। आप लोग खामोश हो जाओ, अपने मुंह बंद करके आप लोग बैठ जाओ ना, आप लोग मत आओ, मत बोलो, मत आंसर बैक दो। जब आप लोग आंसर बैक ही नहीं दोगे तो दूसरा आदमी किस पे बात करेगा, मुझे बताएं, बताएं ना। अब दिलबर बाबर आ रहा है, वीडियो बना रहा है, माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अब जो कोई भी बोल रहा है, ठीक है ना। रिएक्शन वाले हम सब हम बात करेंगे, हम बात करेंगे, आगे से जवाब नहीं देंगे, दूसरे तीसरे दिन हम बोलते रहेंगे, चौथे दिन हम लोग खुद खामोश हो जाएंगे, हम कहेंगे भाई ये तो बंदा बोल ही नहीं रहा है, तो खामोश हो गया। तो इस तरह आपको भी करना चाहिए, आप मत उठे, मत बदवाएं दे, मत वीडियो डाले। देखे ना अभी सैमा जट के जो व्यू है वो कहाँ से कहाँ जा रहे, अब सैमा जट को ये बात भी मेरी बुरी लग जाएगी। देखिए आप लोग खुद व्यू के चक्कर कर रहे हैं, आप लोग खुद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, फिर आके आप बदवाएं देते हैं, फिर आप कहते हैं बेवा कर देते हैं, तो ये बात गलत है, ठीक हो गया, ये बात गलत है। दूसरी साइड पर अगर हम नैना को देखते तो नैना जी खुश में खुश अपनी माँ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, फातिमा के साथ, जैसे वो लोग बाहर गए थे, घूमे हैं, फिरे हैं पार्क वगैरह, उसके बाद फातिमा ने चाइनीज राइस बनाए, जहाँ पे उसने अपने ससुर को जो है वो दिया खाना दिया रात का, जहाँ पे उनके ससुर बेचारे ने कहा कि ये लंच है, अभी मैं लंच करने वाला हूँ, शायद बाद में उनको समझ आ गई कि नहीं नहीं तो डिनर टाइम है, तो उन्होंने कहा फिर अब मैं डिनर कर रहा हूँ। तो भाई अब ये है, इनको बेचारों को तो खुद नहीं पता कि इनको क्या कहना है और क्या नहीं कहना। जब नहीं पता, फिर उसके बाद जब सुबह इन्होंने दोबारा व्लॉग डाला, वही वीडियो चल रही थी, तो उसमें जी फिर नैना ने आके उनको अर्ली मॉर्निंग उठा दिया, अब्बू जी उठ जो, मैंने 1000 की जूती खरीद ली है, आए और आके मेरी जूती की तारीफ करें और फिर मैं आपको जो है इसके बदले में शॉर्ट आउट दूंगी। जहाँ पे फिर नैना खड़ी हुई और नैना ने कहा कि जी मेरे अब्बू के चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया जाए, लाइक किया जाए, शेयर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देखें। जहाँ पर उसके अब्बू ने कहा बस, तो उसने कहा बस।
और जहां भी अगर हम नजमा के घर में देखें तो नजमा ने आज बड़ा साग तोड़ा, अपने कपड़े दिखा ली थी, सारे वेटो वेट हुए हुए थे, चरपाई पे बैठ गई थी और जो उनके साथ गए हुए थे उन्होंने आग लगा कर उनको दी कि चलो जी तुम इस आग के ऊपर बैठ जाओ, आग के ऊपर नहीं मतलब आग के सामने बैठ जाओ ताकि आग आपके ऊपर आए और आप ऊपर नहीं आए, मतलब उसकी हीट आपके ऊपर आए ताकि आप अच्छा फील करें। और अगर हम वकार की बात करें वो मैंने आपको रात को दिखा दिया, अब उसका वकार का भी व्लॉग जब हमने देखा तो उसके अंदर वही सब चीज़ें शो करा रहे थे, वही सब चीज़ें होती जो हमने उसके भाई आमर के व्लॉग में देखा। तो चले जी अब तक की तो यही बिग बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, रिव्यू है, जो भी समझना है समझ लो, आएंगे अपने नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टेक अल्लाह हाफिज़ एंड बाय गाइज़।